हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू टुडे? आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड आवर एनवायरनमेंट. जस्ट बिकॉज क्लास 5 ये रिक्वायरमेंट आया था कि ये आप चैप्टर को समझाइए. तो थैंक यू. सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि आप मुझे फॉलो अप करते हो. कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो. जैसे इन्होंने मुझे बोला है कि ये एनवायरनमेंट करके दिखाइए, तो मैं आपको कर देती हूँ. तो सबसे पहले मैं ये आपको बताती हूँ कि ये 3 भाग में डिवाइड है. एक है साइंस, एक है हिस्ट्री और एक है जियोग्राफी. ठीक है, तो मैंने ये लिख के रखा है साइंस के लिए. तो साइंस में आप पेज नंबर नोट कर लीजिए. ये हाफ ईयरली में ये होगा 1 to 60 पेज साइंस. ओके, 112 to 118 एंड 134 to 137. ठीक है, ये पहले आप कर लीजिए. जियोग्राफी में होगा 61 to 86 पेज, 105 to 111 एंड 158 to 175. हिस्ट्री में होगा 88 to 104, 120 to 157, 176 to 186. ये आपको पहले नोट कर लेना है कि ये आपको, ये सिर्फ एक ही बुक नहीं है, ये इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस तीनों ही है. तो मैंने डिवाइड करके बता दिया है, तो आप ये लिख लीजिएगा. ठीक है, तो वही हिसाब से मैं आपको पढ़ाती हूँ. चलिए, क्या है टॉपिक में? द ह्यूमन बॉडी. ओके, तो ह्यूमन बॉडी में क्या आता है ये देख लेते हैं. आर्मर फॉर बॉडी. तो चलिए इसको मैं समझा देती हूँ. क्वेश्चन आंसर का रहा बात, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर कल बता देती हूँ. ये इतना समझा देती हूँ. ठीक है, आर्मर फॉर द बॉडी. ओके, सुजय हैज गॉन टू बाई अ बैग. सुजय मैंने मार्केट गया है बैग खरीदने के लिए. ही सीज अनिमा एंड हर मदर इन द शॉप. उसने सीज मैंने देखा अनिमा के घर में, सॉरी अनिमा और उसकी मम्मी को, उसने वही दुकान जो दुकान में वो खरीदने के लिए गया था दोनों को देखा है. द शॉपकीपर सेज, दुकानदार ने कहा, बैग, शूज एंड बेल्ट आर ऑल मेड ऑफ लेदर. तो दुकानदार ने क्या कहा, बैग, शूज, बैग, जूता और बेल्ट सब बना हुआ है लेदर का, एनिमल स्किन. लेदर माने एनिमल स्किन. ओके, बट नाउ ए डे मेनी सब्सटेंस फॉर लेदर आर आल्सो अवेलेबल. माने ये है कि आज के दिन में बहुत सी थिंग्स है जो लाइक ए बेल्ट, बैग, शूज, कॉम, ये सब पहले क्या होता था, लेदर का बनता था, लेकिन अभी के डेट में ये और भी सब्सटेंसिव प्लास्टिक से बनाया जाता है. ठीक है, पीपल टू आर रिड्यूसिंग देयर यूज ऑफ लेदर. रिड्यूसिंग माने कम कर रहे हैं, पीपल माने लोग जन, टू माने लोग जन भी ये रिड्यूस कर रहे हैं, ये लेदर के सामान से बच रहे हैं. क्योंकि लेदर का सामान से, देखिए पहली बात मैं आपको बता देती हूँ कि आप मंदिर नहीं जा सकते हो लेदर का सामान, क्योंकि वो किसी की हत्या करके दिया मैंने बनाया जाता है, तो मंदिर में नहीं जाना चाहिए. ठीक है, मैं ज्ञान नहीं बांटती हूँ, सॉरी. तो चलिए मैं बता देती हूँ. पीपल टू आर रिड्यूसिंग देयर लेदर सीन द बैग अनिमा एक्स क्लाइमेट विथ अ लाफ. कैन स्किन सो थिक. वो अनिमा हंसने लगी और बोलने लगी कि स्किन इतना पतला भी या मोटा भी होता है. थिक मने मोटा. ओके, मोटा होता है. हेयरिंग दिस, ये सुनकर, हेयरिंग मने सुनना, हेयरिंग दिस सुजय एंड फ्रॉम बिहाइंड. सुजय पीछे में खड़ा हुआ था, उसने बोला, यस इट कैन, उसने कहा हाँ ये हो सकता है. द स्किन ऑफ रेनासोर्स इज मच थिकर. उसके दूसरे दिन दे टोल्ड एवरी वन एट स्कूल अबाउट दिस. जो उन्होंने देखा था कल, वो पूरा सब कुछ अपने स्कूल में जाके बोला है. देन द टीचर सेड, तो उसके टीचर ने बोला, डिड यू नो दैट इज स्किन वॉज यूज टू डिफरेंट वे टू अर्लियर टाइम. क्या तुम लोग जानते हो कि स्किन का यूज पहले के जमाने में किया जाता था. अर्लियर का मतलब क्या है, प्राचीन काल. ठीक है, प्राचीन काल में ये यूज किया जाता था. तुम्हें पता है, ह्यूमन ड्राइड एनिमल स्किन एंड यूज देन द सीट ऑफ राइटिंग, ड्रेस एंड शूज वेयर मेड फ्रॉम द लेदर. माने पहले के इंसान
मांक्स को, माने जो एनिमल को मारते थे, उसके स्किन को अलग करके उसको सुखाया, ड्राइड माने सुखाया जाता था, और उसके स्किन से सीट बनाते थे, मतलब पेपर सीट जो लिखते हैं वो लोग पहले चमड़ा में लिखते थे फॉर राइटिंग, ठीक है। ड्रेस बनाते थे उसका, और शूज भी बनाते थे, ठीक है। सेक्स एंड कैरीज वाटर फ्रॉम द मेड फ्रॉम एनिमल स्किन। सेक्स माने जो बोरा होता है, जो बस्ता होता है, वो बनाते थे, जिसमें उसको फोल्ड करके, उसको पहले फोल्ड कर लेते थे, उसमें वो लोग क्या करते थे, पानी भर के लेके जाते थे, ठीक है। कैरिंग वाटर, जैसे आप लोग वाटर बोटल लेके जाते हो, उन लोगों के लिए वो उस टाइम में वाटर बोटल हुआ करता था, फ्रॉम एनिमल स्किन, ठीक है। ह्यूमंस रियलाइज्ड द प्रॉब्लम ऑफ ओवर यूजिंग एनिमल स्किन। तब कुछ साल बाद इंसान पहचाने हैं, उन्होंने रियलाइज्ड किया है कि स्किन माने एनिमल स्किन से हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। बिसाइड द डेथ ऑफ मेनी एनिमल्स द इन्वायरमेंट गॉट पॉल्यूट इन द मेनी वेज। माने अगर हम लोग किसी इंसान को, जानवर को मारते हैं, उसका स्किन निकाल लेते हैं, और उसके बाद में उसका स्किन हम लोग यूज़ करते हैं, बाकी की चीज़ें जो होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, नदी में फेंक देते हैं ना। नदी में फेंक देने से क्या होता है कि वो पानी पूरा जो होता है पूरा एकदम पॉल्यूशन में भर जाता है, पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि इंसान इसको कुछ साल बाद में समझे हैं कि एनिमल को यूज करने से हमारा एनवायरनमेंट डिसबैलेंस हो रहा है, ठीक है। द वेस्ट फ्रॉम लेदर फैक्ट्रीज पॉल्यूटेड बाय वाटर एंड आल्सो क्रिएट स्टेंच इन द सराउंडिंग एरिया। देखो मैंने बोला था ना, जो बाहर निकाल के निकाला जाता है स्किन को छोड़ के, बाकी की और जो पार्ट्स होते हैं उसको फेंक देते हैं। किस में फेंक देते हैं? रिवर में फेंक देते हैं। तो क्या होता है, पानी गंदा होता है, और वही पानी हम लोग यूज़ करते हैं जिससे हम लोग बीमार पड़ते हैं, है ना। तो सराउंडिंग एरिया, ड्यू टू दिस रीज़न ऑफ यूज़ ऑफ लेदर हैड टू बी रिड्यूस टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अचानक से ये नहीं हुआ है, ये आस्ते आस्ते समझ में हुआ है। तो इससे, यही कारण से हम लोगों ने इंसान लोगों ने अभी प्लास्टिक के थिंग्स यूज करना शुरू कर दिया है, ठीक है। रीना सेड, द स्किन ऑफ आवर बॉडी इज स्ट्रेस्ड टाइट इन सम प्लेस। स्ट्रेट माने सीधा रहता है, टाइट रहता है कुछ जगह में। इन सम प्लेस इट इज रिंकल्ड, और कुछ जगह में रिंकल माने झुरियाँ पड़ा हुआ रहता है। अगेन इन सम प्लेस इट इज थिक, और कुछ जगह में मोटा होता है, बट थिन एट सम अदर प्लेस, किंतु कुछ अलग प्लेस में पतला होता है। मतलब हमारे स्किन, आपको भी पता है, कहीं पर मोटा होता है, कहीं पर सुकड़ा होता है, कहीं पर स्ट्रेट होता है, कहीं पर मतलब पतला भी होता है, मोटा भी होता है ना। द टीचर ऑन हियरिंग ऑल ऑफ दिस एंड सेड, सभी सुनिए टीचर, और बोलने उन्होंने बोला है, टेल मी व्हाट द आर्मर ऑफ आवर बॉडी। मेरे को बोलने दो कि आर्मर हमारे बॉडी में क्या काम, क्या है, ठीक है। आर्मर इन द सेंस कब्स, ओके। तो सुजय परमानेंटली रिप्लाइड, आवर स्किन, उसने बोल दिया, रिप्लाइड, संगे संग सुजय ने रिप्लाई किया है, आवर स्किन, हमारा स्किन। मैम ने या सर ने पूछा है, व्हाट इज द आर्मर ऑफ आवर बॉडी, ये आप लोग मार कर लीजिए, ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। व्हाट इज द आर्मर ऑफ आवर बॉडी, तो हम लोग लिखेंगे आवर स्किन, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा सुजय, यू राइट, सॉरी, यू आर राइट, स्किन इज कवर्ड एवरीथिंग, स्किन सब जगह कवर होता है, ये टीचर बोल रही है, जो ब्लू है ना वो पूरा टीचर बोल रहे हैं, और बाद बाकी स्टूडेंट बोल रहे हैं, ठीक है। फ्लेश मसल्स नर्वस सिस्टम एंड वेंस एंड आर्टरीज, ये होता है हमारा पूरा कवर किया हुआ, ठीक है। पुराण सेड, दीदी व्हाई डू वी कॉल इट आर्मर, कैन, क्यों हम लोग आर्मर बोलते हैं। सुजय एक्सप्लेन्ड, सुजय ने बोला, दीदी ने नहीं बोला, ठीक है। आर्मर प्रोटेक्ट From getting hurt, ये आर्मर हमारा तकलीफ से, किसी कुछ कट जाता है या कुछ हो जाता है तो उसको हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। सो डज
skin, the protect of us our external force and ultraviolet ray. Ultraviolet ray से हम लोग को protect करता है, जैसे मतलब सूर्य की किरण. अब बोलेंगे ultraviolet rays क्या है, तो मैं ये भी बता देती हूँ. ultraviolet rays जो सूर्य की किरण होती है उसमें ultraviolet rays होता है, जिससे हमारे skin में tan पड़ जाता है. बहुत जगह देखना आप skin, मैंने स्कूल जा रहे हो या सारा दिन आप धूप में रह रहे हो तो क्या होता है, स्किन में पूरा tan पड़ जाता है, काला काला हो जाता है. फिर आप इसको अगर ऐसे हटाओगे तो ये पहने हुए हो, आप कहीं गए हो और इसको हटाया तो देखना यहाँ पर पूरा सादा सादा रहता है, बाद बाकी स्किन पूरा काला हो जाता है. इन द सेंस इसमें टैन पड़ गया है. तो ये अल्ट्रावायलेट रे से हमारे बॉडी को बहुत, ये स्किन जो कवर होता है ना, वो हमारे स्किन को बहुत प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट रे और हमारे लग जाने से, कट जाने से, छिल जाने से, ये हमारे नर्व नहीं कटते हैं, ये हमारी स्किन कटती है. ठीक है, ये चीज समझिए. तो ये क्वेश्चन में भी आप कर सकते हो, आपने बोला था क्वेश्चन करने के लिए भी, तो ये बोल सकते हो व्हाट इज द कवर विथ, हाउ इट इज द कवर इट विथ स्किन बोल सकते हो. तो मैं इसका क्वेश्चन अलग मैं कल आपको बता दूंगी. फ्लैश मसल्स नर्वस वेन्स एंड आर्टरीज. ठीक है, देन फिर अभी ये देखिए नेक्स्ट में क्या है. सूचा एक्सप्लेन, ये तो बोल दिया है. ये क्यों, अभी इसमें पूछ सकते हैं ना, व्हाई डू वी कॉल इन आर्मर, ये इसका क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, क्योंकि इसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, ये मैंने बताया. बिलो द स्किन देयर ऑफ फ्लैश मसल्स वेन्स आर्टरीज स्किन प्रोटेक्ट देम एल्स इवन सिंपल वुड रिजल्ट इन ब्लीडिंग. मने क्या है, बिलो द स्किन, स्किन के नीचे जो है, देयर आर फ्लैश, फ्लैश जो मांस है, मसल्स है, वेन्स है, आर्टरीज है, स्किन प्रोटेक्ट देम, सब स्किन उसको प्रोटेक्ट करता है. एल्स इवन द सिंपल वॉन्ड वुड रिजल्ट बी ब्लीडिंग. अगर मैंने कट जाता है ये स्किन, अगर मेरा कट गया, ये कट जाने से क्या होता है कि इसमें से खून निकलता है, ना कि किसी अंदर में जो भी पार्ट्स है वो कटता है. वो अगर कट जाता है तो हमारे स्किन को, हमारे बॉडी को बहुत नुकसान करेगा. तो ये हमारा स्किन जो है ना बहुत हेल्प करता है. ठीक है, Do you know that many years ago skin was used in war? तुमको पता है कि बहुत साल आगे हमारे जो पूर्वज होते थे, जो हमारे अर्लियर मैन होते थे, प्राचीन काल के जो लोग होते थे, वो स्किन यूज करते थे वॉर में, युद्ध में. द स्किन इज राइनासोर्स वॉज यूज टू मेक द ड्रेस एंड सील्ड टू बी यूज टू बेल्ट फील्ड. राइनासोर्स के स्किन को हम लोग ड्रेस के रूप में उसको यूज करते थे. ठीक है, क्योंकि स्किन बहुत मोटा होता है उसका. वेयरिंग दिस मेड ऑफ वॉरियर, वॉरियर माने जो युद्ध करते हैं उसको बोलते हैं वॉरियर, लेस प्रोन ऑफ इंजरी, उसको पहन लेने से. राइनासोर्स के अगर स्किन को पहन लेते थे तो उन लोगों को स्किन में कट जाना, जो माने युद्ध के समय में तलवारबाजी होती थी, उससे उनको कम बॉडी में लगता था, वो स्किन में, राइनासोर्स के स्किन में लगता था. ठीक है, That is why, इसीलिए they wear no the armor, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं armor. ये आप लिख सकते हैं why do we call armor, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से the skin, ये यहाँ से होगा. ठीक है, the skin dinosaurs we used to make dresses and shields that used to battle field, wearing this made for warrior less prone to injuries, that's why we are known as armor. Okay, that is this question for this answer. Okay, the shields also protect for our impact. ये भी हम लोग का इम्पैक्ट के लिए प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, और इसको भी आप फिल इन द ब्लैंक, जहाँ जहाँ मेरा लाइन किया हुआ है आप फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो. इससे क्या होगा कि आप कंटिन्यू ऐसे लर्न करोगे ना, तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन जब आएगा ना तो आप आंसर लिख पाओगे इजीली तरीके से. ठीक है, मीना सेड वेन्स एंड आर्टरीज आर लाइक ए पाइप, आरंट दे. वेन और आर्टरीज दोनों पाइप के समान है क्या, नहीं है. रफीक रिप्लाइड बोथ हिज आर्म एंड सो देन द मीना सेड सी हेयर यू कैन यू सी दिस पाइप, तुम क्या देख सकती हो ये पाइप. दे आर स्वेलन, स्वेलन माने फूला हुआ, सूजा हुआ. स्वेलन अंडर माई स्किन, मेरे अंडर, ये जो स्किन के अंडर में, अंदर में ये जो फूला हुआ मेरा भी आपको दिखा रही हूँ, इसको जो बोलते हैं. ठीक है, स्किन द पाइप हैज़
ब्रांचेस एज वेल. देखिए एक पाइप यहाँ से कहाँ कहाँ से गया है, ये आप क्लियर भाग से देख सकते हैं ना. ये अर्टरीज और वेन्स है, जो ये वेन्स है ना, ये पाइप की तरह होता है. इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में पूरा ब्लड है. ठीक है, इसको आप अगर काटेंगे ना तो क्या होगा, पूरा ब्लड निकलेगा आपका. ठीक है, तो ये भी आप फिल इन द ब्लैंक्स में कर सकते हैं. ठीक है, दे आर वेनस और अर्टरीज, दोज आर वेन्स. वेन्स द अर्टरीज आर अ लिटिल डीपर. दोनों ही वेन्स वेन्स और अर्टरीज नहीं है. अर्टरीज क्या है, दे दोज आर वेन्स, वेन्स है. द अर्टरीज आर लिटिल डीपर, अर्टरीज थोड़ा सा उसके नीचे में है. द वेन्स आर विजिबल, वेन्स देखा जाता है इन मेनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी में पूरी तरीके से देखा जाता है, बट अर्टरीज कम देखा जाता है क्योंकि वो उसके अंदर में रहता है. ठीक है, नेक्स्ट में इसका आप बॉडी पार्ट लिख सकते हो, चीक. नेचर ऑफ स्किन लिख सकते हो, स्किन मैंने क्या है, ये टाइट है, लूज है, रिंकल है, क्या लिख सकते हो. विजिबल टू वेन्स बिलो द स्किन, स्ट्रेस्ड, ये टना हुआ होता है. व्हाई डू वी थिंक इन प्रेजेंट बिलो द स्किन, इसका क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो. अगर नहीं कर सकते हो मुझे बोलिए, मैं कल आपको इसका क्वेश्चन आंसर जरूर कर दूंगी. ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट मुझे जरूर बताएं, मेरी मुझे बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, थैंक यू.